मशाल। तुम रो रहे हो अभय? अंजलि तुम्हें पता नहीं है, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। आंसू तो आएंगे ही ना। वो अंजलि की डिलीवरी के दौरान थोड़े से कॉम्प्लिकेशन हो गए थे, तो मैंने ही सिजेरियन करने का डिसीजन लिया था, इसीलिए कट भी लगाया था। लेकिन बाद में हालत ठीक हो गई तो ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिस लड़की की बॉडी में से एक किडनी निकाल ली गई हो, किडनी बिना केयर किए उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैलना ही था, उल्टा अब तो उसकी जान खतरे में पड़ चुकी है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग या अंग तस्करी सुनने में बड़े मामूली से जुर्म लगते हैं, पर इनका जाल दुनिया के कोने कोने में बिखरा हुआ है। अरबों रुपयों के टर्नओवर वाले इस बिजनेस की जड़ें कई देशों से जुड़ी हुई हैं। हमारे देश के कोने कोने में हजारों ऐसे गैंग मौजूद हैं जिनका काम गरीब और कमजोरों की मजबूरी का फायदा उठा उनके अंग चुराना या बेहद कम दामों में खरीदना है। और हैरानी की बात यह है कि इसमें काफी बड़े रसूखदारों और बड़े छोटे हॉस्पिटल्स का भी हाथ होता है। अंजलि की कहानी भी इससे अलग नजर नहीं आ रही थी। आखिर ये हुआ कैसे? मेरी अंजलि को किसने इस हाल तक पहुंचाया? जी हाँ, मैंने आपकी रिपोर्ट स्टडी कर ली है, बस कुछ एक कॉम्प्लिकेशन है। अरे घबराइए मत, आप उन्हें कल ले आइएगा, मैं उनकी जान जरूर बचाऊंगी। झूठ झूठ बोलती हो तुम। तुम्हें पेशेंट की जान बचाना नहीं, उसे मौत के मुंह में धकेलना आता है। व्हाट रबिश, तुम यहाँ कैसे आए और ये फालतू का शोर क्यों मचा रहे हो? डॉक्टर सुरेखा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि अंजलि की किडनी तुमने उसकी डिलीवरी के वक्त निकाल ली थी। उसको मामूली सा कॉम्प्लिकेशन बता के छोटे मोटे स्टिचेस बता दिए। तुम्हें और तुम्हारे इस चोर हॉस्पिटल को छोड़ूंगा नहीं, पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा असली चेहरा लाके रहूंगा मैं। क्या साबित करोगे और क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुम्हारी पत्नी की किडनी मैंने निकाली है? मैंने तो किसी रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया, और अगर ज्यादा बोलोगे तो मान हानि का ऐसा केस करूंगी कि जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते रहोगे। अब मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं डॉक्टर सुरेखा, क्योंकि तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है, तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, इसलिए तुम पागल हो चुकी हो और बहकी बहकी बातें कर रही हो। तुम्हारी वजह से मेरी अंजलि मौत के दरवाजे पर खड़ी है। मेरी पावर बहुत ऊपर तक है, इसी अस्पताल के बाहर तुम्हारा मर्डर करवा दूंगी और खुद ही पोस्टमार्टम करूंगी और बोल दूंगी कि तुमने सुसाइड किया है। समझा रही हूं तुम्हें, मेरे साथ मत उलझो। देखो तुम्हें जो करना है करो, जितना पावर लगाना है लगा लो, लेकिन मैं तुम्हें सजा दिलवा के रहूंगा। राम सिंह, राम सिंह, इस आदमी को बाहर लेके जाओ, और अगर दूसरी बार दिखाई दे तो ऐसी हालत करना इसी की चलने के लायक ना रहे। डॉक्टर सुरेखा, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन दोबारा आऊंगा जरूर पूरे सबूत के साथ, तब देखूंगा तुम्हारा पावर। इंस्पेक्टर साहब, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी पत्नी की डिलीवरी ये हेल्थ प्लस हॉस्पिटल में कराई थी मैंने, लेकिन डिलीवरी के कुछ दिन बाद ही उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। जब मैं डॉक्टर से मिलने गया तो डॉक्टर सुरेखा ने उल्टी सीधी कहानी सुना के हमें टरका दिया। फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल में गया इंस्पेक्टर साहब, वहाँ मुझे पता चला कि डिलीवरी तो नॉर्मल हुई थी, ऑपरेशन करके मेरी पत्नी की किडनी निकाल ली गई है। ये बहुत गलत हो रहा है इंस्पेक्टर साहब, आप डॉक्टर सुरेखा के खिलाफ कंप्लेन लिखिए, उनको गिरफ्तार कीजिए और प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। देखिए अभय, फिलहाल मेरे पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए सॉरी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब आप जा सकते हैं।
रिपोर्ट बिल्कुल मत लिखना। और सुनो, जरा ध्यान रखना, तुम्हें तुम्हारा कट मिल जाएगा। ओके। मैम, आपकी बच्ची बहुत प्यारी है, और आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल ठीक हैं, ठीक हो जाएंगे और जल्दी से। अंजलि, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? सर, डॉक्टर ने कहा है अंजलि के शरीर का इन्फेक्शन रुक गया है और बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप बात कीजिए, मैं बच्चे को दूध पिला के आती हूँ। अब है? हाँ, बोलो ना। अब मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रही। कोई बात नहीं अंजलि, तुम हो ना मेरे साथ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। और अपनी गुड़िया है ना। अच्छा नीता, मैंने बच्चे को दूध पिला के सुला दिया है और मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है, तो प्लीज तुम अंजलि पेशेंट को देख लेना। ओके। लेकिन मेरी किडनी गायब कैसे हुई? अंजलि, ये सब डॉक्टर सुरेखा का किया धरा है। डिलीवरी के वक्त उसी ने तुम्हारी किडनी निकाली थी, और वो ऐसा कई पेशेंट के साथ कर चुकी है। इसमें पुलिस वाले और हॉस्पिटल के कुछ लोग भी मिले हुए हैं। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। अबे, अपने गुस्से पे काबू रखो और इस बात को एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ। हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना। ठीक कह रही हैं आप, वे लोग बड़े खतरनाक हैं और उनके सामने हमारी कोई औकात नहीं है। जी आप? मेरा नाम निदा है और मैं इस हॉस्पिटल में हेड नर्स हूँ। साल भर पहले डॉक्टर सुरेखा ने धोखे से मेरे पति की किडनी निकाली, जिस वजह से उनका इंतकाल हो गया। बस तब से भटक रही हूँ उनके इंसाफ के लिए। फिर आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? जो हालत आज आपकी है, पहले मेरे पति की थी। उस डॉक्टर की पकड़ बड़े बड़े नेता के साथ है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ इस डॉक्टरनी का। हमारी तरह सताए हुए और भी लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। आप उन लोगों को इकट्ठा कीजिए, मेरे पास एक प्लान है। अबे, तुम प्रॉमिस करो तुम कोई गलत रास्ता नहीं अपनाओगे, अपने जान पे कोई जोखिम नहीं डालोगे। नहीं अंजलि, आई प्रॉमिस यू, मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। मैं जो कुछ भी करूंगा कानून के दायरे में रह के करूंगा। आई प्रॉमिस यू। अरे भाई, क्या हुआ? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? अपनी प्रेस मीटिंग छोड़कर आया हूँ। जितेश, मुझे तुम्हारे हेल्प की सख्त ज़रूरत है। तुम्हें पता है ना, अभी अंजलि की डिलीवरी हुई थी और उस डॉक्टर ने बिना मुझे बताए, मेरी जानकारी के बिना उसकी किडनी निकाल ली, और मुझे पता चल रहा है कि वो ऐसा कई लोगों के साथ कर रही है। उस डॉक्टर को मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत होगी। मुझे हेल्प करने वाला और कोई नहीं है। प्लीज़ जितेश, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। देखा भाई, एक प्रेस रिपोर्टर होने की हैसियत से मुझे जो हो सके मैं करूँगा। जितेश, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तू मेरी आखिरी उम्मीद है। ऐसा करते हैं, कल तू मेरे घर आ जा शाम को, बाकी की बातें वहीं करते हैं। चल, मैं शाम को घर आता हूँ। ठीक है, तू ख्याल रखा, टेंशन मत। थैंक यू यार, थैंक यू। हाँ जितेश, ये सब कौन है? जितेश, ये लोग डॉक्टर सुरेखा के सताए हुए बेबस लोग हैं, हमें इनके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। आओ। ये जितेश, जिसके बारे में मैंने आप सबको बताया था। बताओ जितेश, हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें डॉक्टर सुरेखा का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना है।
हमें से तीन लोग डॉक्टर सुरेखा के हॉस्पिटल में दाखिल होंगे, जो मेरी बताई हुई जगह पर स्पाई कैमरा फिट करेंगे ताकि हम डॉक्टर सुरेखा और उसके गैंग पर नजर रख सकें। लेकिन ध्यान रहे, हमारे इस प्लान का किसी को भी पता नहीं रहना चाहिए, वरना सब बर्बाद हो सकता है। और जिसके लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत पड़ेगी, मैं अब है और आप सबकी मदद से एक स्टिंग ऑपरेशन चलाऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, हमारे इस प्लान का किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और फिर देखो कैसे डॉक्टर सुरेखा का असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाता है। बोलो। अबे भैया, आपने सारे कैमरे लगा दिए जहाँ पे आपने बोला था। बहुत अच्छे, अब तुम लोग वहां से चुपचाप निकल जाओ, ठीक है? ओके। हाँ भाई, बोल। जितेश, सारे कैमरे फिट हो गए हैं, तू चेक करके बता दे। रुक, मैं चेक करता हूँ। सब ठीक है। एक काम कर, तू अपनी अगली चाल चल। ठीक है। सिस्टम और पुलिस के पक्षपाती रवैये से परेशान हो, अभय ने जो कदम उठाया था वो सराहनीय था। अंजलि की तरह सताए गए लोगों के आक्रोश ने अब एक ऐसा रूप ले लिया था जिसकी कल्पना शायद डॉक्टर सुरेखा और उसकी गैंग कभी नहीं कर सकती थी। अभय की टीम ने इंतजाम तो पूरे कर लिए थे, पर क्या डॉक्टर सुरेखा का पर्दाफाश हो पाएगा? बताइए, क्या तकलीफ है? डॉक्टर, दरअसल मेरी तकलीफ मेरे इकलौते बेटे की फेल हुई किडनी है। आप कहीं से भी करके किडनी का इंतजाम करवा दीजिए। आप जितना पैसा बोलेंगे मैं आपको ला कर दूंगा, बट प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। जी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती, आप जा सकते हैं। डॉक्टर, मुझे आपका नंबर विधायक विजय गुप्ता ने दिया है। ओह, फिर तो आप एकदम सही पते पे आए हैं। फिलहाल तो कोई किडनी है नहीं, लेकिन आप 5,00,000 रुपए जमा कर दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। जी, मैं जमा कर देता हूँ, बट आप प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। डोंट वरी। थैंक यू। निधा जी, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, वरना वो लोग हमें पहचान जाएंगे। आप जाइए। और कोई तरीका नहीं है? हाँ, वैसे तो ये हो सकता है कि खराब किडनी को निकाल दिया जाए, और वैसे भी एक किडनी के दम पे तो इंसान जी ही सकता है। मशाल, मशाल, मशाल। बेटा,
खुदा तुम्हें उनका नूर बख्शे। जी शुक्रिया। और ये लीजिए, इसे अपने हाथ में कहीं छुपा लीजिएगा और बेहोशी के इंजेक्शन के पहले खा लीजिएगा। ये बेहोशी का एंटीटोड है। और ये रही आपकी फेक रिपोर्ट, इसे देखते ही वो हमारे जाल में फंस जाएंगे। मैडम, मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है, ना खाया जाता है ना पिया जाता है। देखिए, आपकी हालत बहुत बुरी है, किडनी में इन्फेक्शन हो गया है तो हमें किडनी का ऑपरेशन करना होगा। कम से कम 9 लाख का खर्चा आएगा। 9 लाख? मैडम, मैं इतना पैसा कहाँ से लेके आऊँगी? और कोई तरीका नहीं है? हाँ, वैसे तो ये हो सकता है कि खराब किडनी को निकाल दिया जाए, और वैसे भी एक किडनी के दम पे तो इंसान जी ही सकता है। लेकिन मैडम, इतना पैसा। 1 लाख आप जमा करवा दीजिए, मैं ऑपरेशन शुरू कर दूँगी। ठीक है मैडम। हाँ, ये काउंटर पे जाके फॉर्मेलिटीज कर दीजिए। जी, पेपर। हाँ, हेलो। हाँ, मिस्टर जितेश। जी मैम। जी हाँ, किडनी का इंतज़ाम हो गया है, आप बाकी के पैसे लेके आज शाम को हॉस्पिटल में आ जाइएगा। जी ज़रूर, मैं शाम तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। ओके, थैंक यू। हेलो रिसेप्शन, ज़रा प्रकाश को फ़ोन देना। सुनो, एक अर्जेंट ऑपरेशन के लिए ओटी रेडी करो, और अभी जो औरत आई है उसकी झूठी रिपोर्ट तैयार करो कि जब वो हॉस्पिटल आई थी तो इन्फेक्शन की वजह से उसकी किडनी ख़राब हो गई थी और जान का खतरा था, तो उसी के परमिशन से हमने किडनी निकाल दी। जल्दी करो। ओके। हेलो अभय, सुरेखा की असलियत का टेलीकास्ट पूरा इंडिया देख रहा है। एक काम कर, तू जल्दी से पुलिस को लेकर हॉस्पिटल में रेड मार, नीता की जान को खतरा हो सकता है, तू जल्दी जा। ठीक है, ओके। हेलो इंस्पेक्टर साहब। तुम लोग बहुत लापरवाह हो गए हो, लास्ट टाइम वो अंजलि वाले केस में स्टिचेस ढंग से नहीं लगा सकते थे, कितनी आफत आई थी। आगे से ध्यान रहे, ऑपरेशन सच्चा लगना चाहिए। नाइफ। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आप इन्हें गिरफ्तार कर ही सकते हैं, है ना? ये क्या मुझे गिरफ्तार करेंगे, ये तो मेरा ही पैसा खाते हैं। मशाल, मशाल, मशाल। बंद करो ये सब। तुम यहां कैसे आए? शांत शांत डॉक्टर नी साहिबा, अभी तो तमाशा शुरू भी नहीं हुआ। निदा जी, आप उठ जाइए।
ये इसे तो मैंने इंजेक्शन दिया था, ये तो बेहोश थी। आप क्या सोचती हैं, एक आप ही होशियार है दुनिया भर में। मैंने नीदा जी को भेजा था एंटीडोट के साथ। और डॉक्टर नी साहिबा, जरा वहां देखिए, आपके ऑपरेशन लाइट में स्पाई कैम लगे हैं जिससे आपकी काली करतूत पूरा देश देख रहा है लाइव। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आप इन्हें गिरफ्तार कर ही सकते हैं, है ना? ये क्या मुझे गिरफ्तार करेंगे, ये तो मेरा ही पैसा खाते हैं। सॉरी डॉक्टर सुरेखा, अब हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आपकी काली करतूत लाइव टेलीकास्ट हो रही है और वैसे भी हमारे ऊपर काफी प्रेशर है, इसलिए आपको हर हालत में हमारे साथ चलना ही होगा। सो प्लीज, मैं तुम सबसे माफी मांगती हूँ, मुझे बचा लो। जितना पैसा मांगोगे मैं दूंगी, अमाउंट बता दो, मैं ब्लैंक चेक देती हूँ। तू हमें पैसे से खरीदेगी? मेरे पति को जिसको तूने मार डाला उसकी क्या कीमत लगाएगी, बोल, है तेरे पास कोई जवाब? स्वेटा साहब, ले जाइए इसे। चलिए मैडम, चलिए, और आप भी आइए। शुक्रिया बेटा, तुमने हमें हमारा हक दिलाया है, तुम हमारे लिए फरिश्ता हो। अभय, जल्दी आ जाओ गुड़िया को लेकर, खाना रेडी हो गया। क्या हुआ? अंजलि मुझे माफ कर दो, काश मैंने उस डॉक्टर की जानकारी पहले से ली होती तो तुम्हें इतना नुकसान नहीं होता, इतनी तकलीफ नहीं होती। आई एम वेरी सॉरी अंजलि। हाँ भय, ऐसे सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उल्टा तुम जैसा हस्बैंड पाकर तो मैं इतनी खुश हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, बस मैं तुमसे नाराज हूँ। पता है मुझे, ये लो जरा गुड़िया को संभालो। ये रहा मेरा सॉरी। हॉलीडे इन कश्मीर। वाव अबे, तुम वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हो। यस आई एम। डॉक्टर सुरेखा का असली चेहरा उसी के सताए पेशेंट्स ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पूरे देश के सामने ला दिया था। इस गैंग का हिस्सा बनी पुलिस और नेता भी इल्जामों की गाज से बच नहीं पाए और उन्हें सख्त सजा मिली। लेकिन हमारे देश में आज भी ऐसे ऑर्गन मार्केट्स हैं जहां से बड़ी कीमत पर गैर कानूनी तरह से लोग अंग खरीदते हैं, जिसे किसी लाचार के शरीर से धोखे से या जबरदस्ती निकाला गया होता है। सरकार ने ऐसे संगीन जुर्म के खिलाफ अनेकों ऑर्गन डोनेशन बैंक्स खोले हैं जो बेहद मददगार हैं। फिर भी चंद पैसों के लालची, जिन्हें इंसानी जीवन का जरा भी मोल नहीं, आज भी इस गोरख धंधे में लिप्त हैं। इनकी रोकथाम के लिए जरूरी है कि आप ऐसे किसी भी मामले के सामने आने पर पुलिस में कंप्लेंट करें और पीड़ित की हर मुमकिन मदद करें। शायद तब कहीं भारत को एक जुर्म मुक्त देश बनाने का मशाल का एकमात्र लक्ष्य पूरा होगा। एक नई कहानी लिए फिर मुलाकात होगी, तब तक सुरक्षित रहिए और देखते रहें दूरदर्शन, देश का अपना चैनल। जय हिंद।